देखिए आज हम लोग फिर से अपने 5000 प्लस वोकेबलरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आज अपना ईडियम होगा फीदर, फीदर से रिलेटेड। फीदर क्या होता है? फीदर का मतलब पंख होता है। पंख तो आप लोग जानते ही होंगे। अब किसी भी ईडियम में जब पंख वाला सेंटेंस आएगा तो उसके दो मतलब होंगे। सबसे ज़्यादा मतलब उसका होता है पॉजिटिव सेंस में, जैसे कि कोई अब पंख किसी को लगाता है उसमें तो भी पॉजिटिव सेंस आता है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट पे पंख लगाते हैं तो वो अच्छे सेंस में है। तो ये फीदर कैसे काम करता है, किस थीम में आता है, और जो एग्ज़ाम आए हुए ईडियम्स हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो एग्ज़ाम बन सकते हैं, जो आते हैं, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में, और देखेंगे कि उनका मीनिंग कैसे निकलेगा। ये ज़रूरी है कि आप थीम वेस्ट पढ़ें, फीदर वाले सारे एक साथ पढ़ लीजिए, और आपको फिर प्रीवियस ईयर के जो भी ईडियम्स हैं उनको लाइन से देखना है और उन्हीं पे फोकस करना है, तो जल्दी आपको याद होंगे। पहला ईडियम अपना है टू शो द वाइट फीदर, सफ़ेद पंख दिखाना। सफ़ेद पंख क्या होता है? सफ़ेद पंख, सफ़ेद रंग तो दोस्ती का भी प्रतीक है। सफ़ेद पंख जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो है वो बहुत ही अच्छे सेंस में भी यूज़ होता है। सफ़ेद सेंस ट्रुथ को शो करता है। लेकिन सफ़ेद का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? सफ़ेद का मतलब यहाँ पर है कि कोवर्ड की जैसे काम करना। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जब लड़ाई होती है उसमें जब सफ़ेद रंग दिखाया जाता है उसमें, तो वहाँ पे कोवर्डनेस को वहाँ पे शो करता है। कैसे करता है वो देखो, टू बिहेव लाइक अ कोवर्ड। हालांकि ये गलत है कि लड़ाई में दिखाना, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि किसी फाइटिंग में कहीं पर भी कोई भी बिहेवियर में कोई भी एरिया में जब कोई इंसान कोवर्ट की तरह एक्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं टू शो द वाइट फीदर। मतलब एक ऐसा काम करना जिसमें कायरता झलकती हो। जैसे डोंट शो द वाइट फीदर, समझ लीजिए जब यहाँ पे जब भी एडियम लिखते हैं तो 2+V1 से शुरुआत करते हैं अगर वो वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको टू को छोड़ देते हैं ईडियम में। ये हम लोग वर्ब एडवांस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। डोंट शो द वाइट फीदर, कायरता मत दिखाइए बिफोर द एनिमीज टिल द एंड। जब तक एनिमीज से हम लोग लड़ते रहेंगे अंत तक आपको पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे नहीं हटना है, उनसे लड़ाई करनी है। क्लियर हुआ? अ फीदर इन वंस कैप, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता ही आता है। एक पंख किसी के कैप में लगा देना। आपने देखा होगा पुराने टाइम पर जब किसी को राजा बनाया जाता था तो उसको मुकुट पहनाया जाता था, क्राउन। तो उसी क्राउन में अगर फीदर लगा दी जाए, पहले तो वो ऑलरेडी राजा है, राजकुमार है, अगर उसके क्राउन में एक फीदर लगा दी जाए, इसका मतलब उसने कुछ अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है, उसने कुछ ऐसा काम किया जो एक्सेप्शनल है। उस केस में क्या कहते हैं कि उसके मुकुट में तो या उसकी टोपी में तो एक फीदर, एक पंख और लग गया है ना। तो एन अचीवमेंट इसका हो सकता है सक्सेस टू बी प्राउड ऑफ, कोई ऐसा सफलता प्राप्त करना जिस पे गर्व हो किसी को। बात आ रही समझ में? इट इज़ अ फीदर टू हिज कैप, ये तो उसके कैप के लिए फीदर है, यानी कि उसके लिए ये सम्मान का विषय है। टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री ऑन द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, ये उसके लिए बहुत ही सम्मान की बात है, उसके लिए अचीवमेंट है, एक गर्व की बात है। बात आ रही समझ में? टू फीदर वंस नेस्ट, इसका मतलब क्या होगा? टू इधर पे लगा, उसका मतलब कहीं ना कहीं वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। पंख लगाना, वंस का मतलब किसी के, नेस्ट का मतलब होता है, नेस्ट कौन होता है, वेरी गुड, घोंसला, किसी के घोंसले में पंख लगा देना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है टू यूज़ योर पावर एंड पोजिशन, अपने पावर और पोजिशन का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना फॉर फाइनेंशियल गेंस और एक्ट सेल्फिशली। मतलब कहने का ये है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जब अपनी आप पोजिशन पावर का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने घर में या अपने आप को समृद्ध बनाने की कोशिश करते हो। तो टू फीदर वंस नेस्ट, यानी कि जब कोई इंसान अपने घर में और पंख इकट्ठे करता है तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर अपना पावर पोजीशन का यूज़ कर रहा है। इसको कैसे याद करोगे? सिंपल तरीका याद करने का ये है कि आपने घर में पंख
इकट्ठे कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, कैसे करोगे? क्या कोई पक्षी देने आपको आएगा? नहीं, आप पावर और पोजिशन, मतलब आप पावर का यूज़ करोगे, उनको पक्षियों को मारोगे, मारने के बाद उनके पंख निकालोगे और उनको फेंक दोगे। तो कहीं ना कहीं आपने क्रूरल्टी दिखाई, आपने सेल्फिशनेस दिखाई, तो वही यहाँ पर है। टू फीड द वंस नेस्ट का मतलब अपने घर में पंख इकट्ठे करना, इट मीन्स अपना पोजिशन और पावर को यूज़ करके फाइनेंशियल गेन प्राप्त करना या फिर सेल्फिशली एक्ट करना कि दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनता, ऐसे वो कुछ लोग बोलते हैं ना हिंदी में, उसी सेंस में इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ही यूज टू फीदर हिज नेस्ट, वह मतलबी कार्य किया करता था बाय यूजिंग द मनी, मनी के प्रयोग से, दैट वॉज रेस्ड बाय चैरिटी, जो दान से पैसा आता था ना, वो उस उन पैसों से अपने आप को समृद्ध बनाने की, अपने आप को अमीर बनाने की कोशिश करता था, जो कि गलत था। ठीक है, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, कुछ पक्षी जिनके पंख सेम हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दो पक्षी हैं, पक्षी हैं और उनके सेम पंख हैं, इसका मतलब क्या, वो सेम कैटेगरी के हैं, ये तो मतलब निकला ना, वही इसका मतलब है। टू पर्सन्स हु आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर इन बिहेवियर, कंडक्ट और ओपिनियन, व्यवहार में, उनके वर्ताव में, उनकी सोच में, समझ में, राय देने में, जो भी उनकी बातें वो सारी मैच करती हैं। तो सेम फीदर वाले पक्षी, इसका मतलब सेम कैटेगरी के लोग है ना। बोथ द फ्रेंड्स आर, वो दोनों जो दोस्त हैं ना, आर द वर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, वो एक ही कैटेगरी, एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका सब कुछ एक ही है। ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जो कि इस फ्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रामर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। इन फाइन फीदर, इसका मतलब क्या हुआ? फीदर वाला पंख हो गया, फाइन का मतलब बहुत ही अच्छे बेहतरीन, और इन का मतलब मैं, बहुत ही अच्छे पंख में, इसका मतलब क्या हुआ? वेल ड्रेस्ड, बहुत ही अच्छे परिधान में। जब कोई इंसान, आपने देखा भगवान श्री कृष्ण जब तक अपने मुकुट पर मोर पंख ना लगाएं तब तक वो अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे कि महादेव के माथे पर जब तक तीसरा नेत्र ना हो तब तक महादेव महादेव ही नहीं लगते हैं। बात आ रही समझ में? ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर जब तक मोर पंख ना लगाओ तब तक वो मुकुट ही अच्छा नहीं लगता है। तो वही आपका सेंस यहाँ पे निकल रहा है। इन फाइन फीदर, बहुत ही अच्छे पंख में, इसका मतलब बहुत ही अच्छे ड्रेस में वो मौजूद है। सी वॉज इन फाइन ड्रेस एट द पार्टी, पार्टी में बहुत ही अच्छे परिधान में, अच्छी ड्रेस में थी। ठीक है, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, लास्ट वन देखते हैं अपना, रफल वंस फीदर्स, इसका मतलब क्या हुआ? रफल का मतलब होता है इरिटेट करना, एनॉय करना, किसी को परेशान करना, बॉदर करना, पैनिक करना, ये पैनिक होना। तो रफल वंस फीदर, किसी के पंखों को तोड़ना, खराब करना, इरिटेट करना, खींचना, तानना, तो वही इसका मतलब है, एनॉय या इरिटेट करना। आई डिडेंट मीन टू रफल योर फीदर्स, मेरा इरादा ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं तुम्हें परेशान करूँ, लेकिन तुमने किया। तो रफल का मतलब ही क्लियर हो चुका था, इरिटेट एनॉय करना। तो ऐसे समझ लीजिए किसी के पास पंख लगे उसकी ड्रेस में, उसको खींच रहा है, बेवजह परेशान कर रहा है, तो ओवरऑल एनॉय या इरिटेट यहाँ पे सेंस निकल रहा है। और आई थिंक आप ये अच्छी तरह समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, इनको प्रिपेयर कीजिए, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं।